बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, मैं आज अपनी वीडियो में आपसे कुछ काम करूँगी अपनी डेली। हमारे तरफ का नेटवर्क ठीक नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं दे सकी। तो मैं आज की वीडियो में आपसे अपने दूसरे चैनल के बारे में, चैनल का लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस चैनल पे जाएं। वो कटिंग और स्टिचिंग का चैनल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कटिंग और स्टिचिंग के बारे में चाहिए होंगी। बहुत इजी मेथड के साथ मैंने उसमें बताया हुआ है, आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा। इसी चैनल पे मैंने कटिंग और स्टिचिंग की भी वीडियोस डाली हुई हैं, डिज़ाइनिंग की। तो ये मसला हो रहा था, जो बहनें, जो सिस्टर्स मेरी और जो भी सिलाई वगैरह सीखना चाह रही, तो जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए मसला हो रहा था। तो स्टिचिंग के लिए एक सेपरेट टाइम चाहिए होता है, तो मैंने भी अलहदा से उसका एक चैनल बनाया है, नयाब ASW कटिंग और स्टिचिंग चैनल। तो आप इस पे जाएं, इसको विज़िट करें और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पे जाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और जी, आज हमने बनाने हैं जर्दा चावल। जर्दा चावल नहीं, सात रंगों वाले चावल। तो ये हमने बच्चों में डिस्प्यूट करने थे तो इसलिए हमने चावल बनाए। चावल साफ कर रहे थे तो 2 किलो मैंने चावल लिए हैं और उसी के हिसाब से मैंने 1 kg चीनी ली है और तकरीबन आधा पाव घी लिया है। और ये पानी हमने रख लिया था, हम इन्हें पहले बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद इसमें चावल डाल दिए मैंने, ये पक्की बासमती चावल थे, आधा पौना घंटा भिगो के रखे हैं, आधा घंटा पौने 15-45 मिनट। तो फिर इनको नीम गर्म पानी में भिगो के रखे थे तो इसे ये अच्छे से सॉफ्ट और नरम हो जाते हैं। और फिर हमें इसे बॉयल कर लेना है, इसे मिक्स करना है। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि हमने ये मीठा बनाना है, तो नमक वगैरह भी नहीं डालेंगे, नंगी कुछ भी नहीं। तो जी, ये हम चेक कर लेते हैं, हमारे चावल बॉयल हो गए हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ भी हम छलनी में चावल निकाल लेते हैं और फिर हम इसकी चाट वगैरह बना लेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। तो जी, ये चीनी थी 1 kg और ये कुछ कलर रखे हैं पास, जर्दा रंग है, सुरख और सब्ज़। और ये हमने घी डाल दिया है, तकरीबन एक प्याली, एक बाउल बड़ा जो होता है वो था। और यहाँ पे हम डाल देंगे चीनी और हम इसकी चाशनी बना लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और चम्मच हिलाते जाएंगे बराबर। यहाँ पे चम्मच हिला देंगे बराबर और जब आपकी चाशनी पक जाएगी ऐसा ऐसा, जब चीनी मेल्ट होगी तो झाग बनना शुरू हो जाती है। जब झाग बन जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा पकाते हैं और कुछ इस तरह के आपका हो जाए लिक्विड तो समझे चाशनी बन गई है। और उसमें हमने मेवे डाल दिए, मेवे आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जिन्हें बोलते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने तो किशमिश और नारियल डाला है और ये इसके अंदर चले गए हैं चावल। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। चावल हमने फुल कुक कर लिए थे, फुल बॉयल कर लिए थे, इसमें कोई कसर नहीं रखी क्योंकि ये बाद में नहीं पकने वाले, इसलिए हम इसे बॉयल करते वक्त भी फुल पका लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस पर कलर चावलों को थोड़ा सेट करेंगे और यहाँ पे चावलों जर्दा रंग में कलर में हम पानी डाल के इन्हें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कलर डालेंगे, ज़्यादा डालने से चावल कड़वे हो जाते हैं और कलर भी अच्छे से नहीं आता। तो इस तरह से हम चम्मच की मदद से इस पर थोड़ा थोड़ा कलर, थोड़े थोड़े वक्फे से तीनों कलर डाल देंगे, बारी बारी तीनों कलर डाल देंगे और इसको फिर हम भाप के लिए रख देंगे। तो जी, यहाँ पे कलर डाले जा रहे थे, ये चावल हमने बच्चों को खिलाने थे, बच्चों को कलर वाले चावल बहुत पसंद आते हैं तो इसलिए मैंने नमकीन बनाने से बेहतर समझा हम बच्चों की पसंद की चीज़ बनाएं, तो इसलिए मैंने कलर वाले चावल बनाए हैं।
और यहाँ पे जब सारे कलर डाल देंगे तो इसकी आप लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है, कितने मज़े के लग रहे हैं। और जी यहाँ पे हमने भाप दे दी है और हम 10 मिनट की भाप देने के बाद अब ढक्कन उतारा है। तो जी वाह क्या मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के मिले थे, परफेक्ट मीठा था और कोई कम चीज़ ज़्यादा नहीं थी। बच्चों ने भी बड़े खुश होकर खा लिए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे हम मिक्स करेंगे ढीले हाथों से और उसके बाद हम बच्चों को सर्व करेंगे, बच्चे खा लेंगे। तो ये चावल हमारे मिक्स हो गए हैं और ये इनकी फाइनल लुक है, ये ऐसे बने हैं। और जी हम बच्चों को देते हैं, बच्चे खाएंगे। और ये तो हमारे घर के बच्चे थे क्योंकि बच्चे वक्फे वक्फे से आए थे, एक ही दफ़ा से नहीं आए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल का भी ज़रूर विज़िट करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।